थाना बिठूर पुलिस द्वारा 7 गौ कश अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। जनपद कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर कानपुर असीम अरुण द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त पश्चिम संजीव त्यागी व अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम अभिषेक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में थाना बिठूर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस पर एक प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम संजीव त्यागी ने बताया कि थाना बिठूर पुलिस को 7 अप्रैल 2021 को न्यू हाईवे सिटी के पास नारामाऊ क्रॉसिंग के निकट गौवंश के शरीर के भाग बरामद हुए थे। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि ये गौवंश के शरीर के भाग इस उद्देश्य से फेंके गए थे क्योंकि ग्राम नारामाऊ मिश्रित आबादी का गाँव है। इस घटना से सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होगा और दंगा फसाद जैसी स्थिति पैदा हो। इस पर पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला मास्टरमाइंड कुली बाजार निवासी अरमान अहमद, दूसरा थाना बिल्हौर क्षेत्र निवासी राजेंद्र कुमार उर्फ पालू, तीसरा थाना रायपुरवा क्षेत्र निवासी पप्पू साहू, चौथा कोटा राजस्थान निवासी मोहर सिंह, पांचवा कोटा राजस्थान निवासी कैलाश, छठा कोटा राजस्थान निवासी मोहन, सातवां कोटा राजस्थान निवासी मानसिंह शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2 अज्ञात गौवंश भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें गौशाला भेजा गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। करीब 1 माह पहले थाना बिठूर के नारामाऊ क्रॉसिंग के पास सूखे नाले में गौवंशीय पशुओं के मृत अवशेष मिले थे, जिससे आगामी पंचायतीय चुनाव का जो पास के गांव हैं उनका सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना बनी हुई थी। पुलिस टीम ने इस घटना का खुलासा करते हुए आज 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 गौवंशीय पशु बरामद भी हुए हैं जो कटने के लिए जा रहे थे। यह एक अंतर जनपदीय गिरोह है जो संगठित तरीके से गौवंशीय पशुओं का कटान करता है। इसके अरमान अहमद और राजेंद्र उर्फ पालू पूर्व में भी गौवध के मुकदमों में जेल जा चुके हैं। इनके पास से एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और डाला बरामद हुआ है। 15,000 रुपये भी बरामद इनके पास से हुए हैं। वैधानिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनकी टीम के जो अन्य सदस्य हैं, जहाँ ये अपना माल सप्लाई करते हैं, जिन वाहनों से ये करते हैं और जहाँ से इनको सहयोग प्राप्त होता है, इस पूरे गिरोह की सभी जड़ों को उखाड़ने के लिए थाने की टीमें लगी हुई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। इस गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। और इसके लिए जो SO बिठूर की टीम ने गुड वर्क किया है, उसके लिए इनको अप्रिसिएशन लेटर भी दिया गया है। उसी मार्ग से ये आना जाना रहता है। जानवर जो लावारिस इनको मिल जाते हैं उनको उठा के ले जाते हैं और बताते हैं कि हम गौपालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, उस नाम पे रख के उसकी आड़ में फिर ये जो है उनको काट के मीट बेचते हैं आसपास के इलाकों में। जैसे कुली बाज़ार है वहाँ ये बेचते हैं, मांस की जो दुकानें अलग अलग जगह हैं वहाँ बेचते हैं। तो ये पूरा एक संगठित गिरोह है जो व्यापक स्तर पे इस काम को कर रहा है और इसको अभी जो है उधेड़ने में पुलिस टीम लगी हुई है। जो टीमें आपने लगाई है कि STF वगैरह की भी मदद लेंगे? नहीं, STF की उसके लिए अभी जरूरत नहीं है। हमारी जनपदीय पुलिस। कानपुर से मोहम्मद जीशान खान की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।